ललितपुर के सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की 2020 की बहुत बहुत शुभकामना और नया वर्ष सभी को मंगलमय हो। नव वर्ष सभी जनपद वासियों के लिए मंगलमय हो, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर में एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हत्यारा भाई आगरा की जेल से पैरोल पर छूटा था। कई साल पहले हुए एक मर्डर में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, जिसकी आज पैरोल की तारीख समाप्त हो रही थी। जैसा कि आपको विस्तार से बताते चले कि ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एरा हाउस का है, जहां सुबह सुबह किसी बात को लेकर घर में ही उपजे विवाद में चचेरे भाई भरत प्रताप निरंजन ने पारिवारिक विवाद में अपने ही बड़े भाई रामाश्रय निरंजन और भाभी सुनीता निरंजन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया है कि बीते वर्ष 2006 में हुए एक मर्डर कांड में आरोपी भरत प्रताप निरंजन और राम आश्रय निरंजन आगरा की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अभी कुछ ही दिनों पहले वह दोनों पैरोल पर छूटकर घर आए थे। आज शाम को पैरोल का समय खत्म हो रहा था, इसलिए दोनों ही भाइयों को आगरा वापस जाना था। जब उनका भाई रामाश्रय सुबह अपनी निजी गाड़ी से आगरा जाने के लिए तैयार हुआ, तब भरत प्रताप ने आगरा जाने का विरोध करते हुए यहां से फरार होने की बात कही, जिसको लेकर रामाश्रय संतुष्ट नजर नहीं आए। उसने आगरा जाने के लिए जोर दिया। इस पर दोनों ही भाइयों में विवाद हुआ, जिसके बाद उत्तेजित होकर चचेरे भाई भरत प्रताप ने अपने भाई राम आश्रय को अवैध देशी तमंचे से गोली मार दी। उसके बाद भाभी के शोर मचाने पर उसको भी गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत सदर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आरोपी भरत प्रताप निरंजन को पत्नी के साथ मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम एम बेग का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपी को पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, तथा घटना के पीछे कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। तो वहीं इस पूरी घटनाक्रम का क्या रहा कारण और परिजनों का क्या है कहना, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की विस्तृत रिपोर्ट में। हमारा नाम विनोद पटेल है। मेरा भाई भरत और रामाश्रय दोनों पैरोल पर आए थे पिछले महीने। तो अभी आज उनकी पैरोल ख़त्म हो रही थी। दोनों में फिर बात हुई कि चलो, अब भरत बोलने लगा भाई से कि चलो पैरोल ख़त्म हो गई, अब भाग चलें। उसने कहा नहीं, हम नहीं भागेंगे, हम जेल में जाएंगे। इतने में दोनों में बात कहा सुनी हो गई, तो उसने भरत ने उसको भाई को गोली मार दी। भाभी बचाने आई, उसने भाभी को गोली मार दी। पैरोल पे कब आए थे? अभी ये पिछले महीने आए थे और आज पैरोल ख़त्म हो रही थी। पैरोल अपनी पत्नी का इलाज कराने के मामले में आए थे, पत्नी का इलाज कराने। ये महेंद्र सिंह मदनपुर वाले की हत्याकांड में बंद है, उनके लवेंद हत्याकांड में बंद थी। कितने वर्ष हो गए? ये 10-12 साल से बंद है, आगरा सेंट्रल जेल आगरा में बंद है। मामला साहब, ये दोनों पैरोल पे आए, पैरोल बड़ी नहीं है, दूसरे महीना के नहीं बड़ी। सो ये भगवे को बेचार था को भरत का, सो जो भगे नहीं है कि चल अपन भग चलिए, भगे नहीं है तो उन्हें गोली मार दी और बहू बचा रही तो मुँह मार दी। क्या हुआ? बात दोनों खत्म हो गए। अच्छा, और पत्नी को भी मारी? क्यों, उनको क्यों मारी? उन्हें बचावे के की सुनखो ही मार दी, बचावे की सुनखो ही मार दी। अच्छा, क्या नाम है उनका? रामाश्रय। जिन्होंने गोली मारी है कौन है वो? भरत। किसको मारी गोली? रामाश्रय और डैम सुनीता को। दिन कब आ रही थी? आज जाने तो एक महीने हो गया, आज जाना था। अरे मम्मी में सामने मार गोली मार दी सर में, उसी भारत ने फरसा चला रही थी हमें मारने के लिए। विवाद क्या था? अरे विवाद तो पता ही नहीं था, इरादे में थे। 5 बजे सुबह से आ रहे थे, नहीं चला फिर भी। फिर सुबह 5 बजे से हम लोग के रूम पे आके बैठ गए थे और कल भी सरिया लिए थे, आज भी बंदूक, फिर बंदूक मार के फिर सरिया लेके आए थे, गेट लगाए वो फिर भगा लिया, भग गए वो। बाबा बाबा बाबा।
थाना कोतवाली अंतर्गत आज प्रातः में घटना घटित हुई है, जिसमें एक भाई ने अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी है। और ये घर में ही थे, किसी बात पे झगड़ा हुआ इन लोग का, जिस पे भाई ने अपने भाई और भाभी की हत्या कर ली। अभियुक्त इसमें जो भरत है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, उसकी पत्नी की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। वैधानिक कार्रवाई